Hello everyone, good morning. Welcome to your sculpture class. Portrait बताने जा रहा हूँ, जो relief sculpture बनाएंगे हम उसका. मैंने portrait लिया है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, मैं relief में बनाने जा रहा हूँ. तो ये उसके लिए drawing, जितना अच्छा से ड्राइंग करेंगे आप उतना ही अच्छा उसमें पिक्चर निकल के आएगा, उभर के आएगा. इसलिए ड्राइंग बार बार करना चाहिए. ड्राइंग का ही बहुत ज्यादा इसमें जरूरत है. और ड्राइंग को हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि हम उसको उसमें स्कल्पचर दिखाई दे, इतना क्लियर ड्राइंग होना चाहिए. तो ड्राइंग के लिए बार बार प्रैक्टिस करना है ड्राइंग. बिना ड्राइंग का पोर्ट्रेट नहीं कर सकते हैं. और मैं ये जो पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूं, इसके लिए हम ये एक ओवल शेप बनाया है, इसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे. पहले टूल से ड्राइंग करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्ले मॉडलिंग करेंगे, फिर हम उसको प्लास्टर पेरिस का मोल्ड लेंगे और प्लास्टर से ही उसका कास्टिंग करेंगे. फाइनल हमारा वर्क प्लास्टर पेरिस का ही होगा. फाइनल कास्टिंग हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही स्कल्पचर होगा. तो सबसे पहले क्ले में हम ये प्लेट बना लिए हैं. अब इस प्लेट के ऊपर हम ड्राइंग करेंगे. शुरू करते हैं ड्राइंग. कोई भी ऐसा टूल्स, वुडन टूल्स, इस तरह का कोई भी टूल से हम पहले इसका ड्रॉ कर लेंगे. ये शेप अच्छे से इसको ओवल शेप बनाएंगे. एक्स्ट्रा जो है उसको काट के इस तरीके से निकाल देंगे. इस तरीके से हम कट कर लिया और इसका ओवल शेप ये बन गया. इस ड्राइंग को हम देखते हुए टूल से कोई एक टूल लेंगे और इस पर ड्राइंग करेंगे. इस तरीके से हम इसमें जिस तरह पेपर में हम ड्राइंग करते हैं उसी तरीके से इस प्लेट के ऊपर, इस बेस के ऊपर हम ड्राइंग करेंगे.
ये बिल्कुल ड्राइंग हमारा क्लियर होना चाहिए, जिसके ऊपर हम जस्ट इसी तरीके से क्ले लगाएंगे जैसे ड्राइंग है। ड्राइंग के ऊपर ही हम क्ले से उसको वो उभार देंगे। प्लास्टर पेरिस से ले लिया और मोल्ड देख रहे हैं, ये सारा पार्ट जो है नेगेटिव है अंदर की ओर, और इस पर हम प्लास्टर पेरिस पोरिंग करेंगे। प्लास्टर टू प्लास्टर कास्टिंग में ये मोल्ड जो है वे वेस्ट हो जाएगा, ये मेरा मोल्ड टूट जाएगा और इसके अंदर से जो वर्क निकलेगा वो फाइनल होगा। तो ये मोल्ड वेस्ट मोल्ड है, ये इसको तोड़ना पड़ेगा। फाइनली ये जब निकालेंगे स्कल्पचर तब इसमें से ये मोल्ड टूट जाएगा और हमारा स्कल्पचर जो है इसमें से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मोल्ड से प्लास्टर टू प्लास्टर कास्टिंग करने के लिए सबसे पहले इस पर हम कोई एक सेपरेटर लगाते हैं। ऑयल वो ऑयली होना चाहिए, या तो फिर तेल और साबुन का, मस्टर्ड ऑयल, लाइफ बॉय साबुन, ये दोनों को दोनों का घोल बना के भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये एक गिरिस का पैकेट है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी ऑयली है। और प्लास्टर से प्लास्टर लेयर इस पर डालने वाले हैं, उससे पहले इस तरीके से थोड़ा टेक्सचर बना देंगे ताकि दूसरा लेयर इस पर बैठे तो अच्छे से इसको पकड़ ले। और इसमें हम कुछ ऐसे कपड़े का, इस तरह रेशेदार कपड़ा, सूती कॉटन का कपड़ा हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये टूटने का डर नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से एक कपड़ा लगा दिया है, फिर कुछ रेशेदार चीज इस तरह का। हम नारियल का रेशा को भी यूज कर सकते हैं इसमें। और इस तरीके से मोल्ड से ये काम हमारा बहुत अच्छे तरीके से निकल गया है। कुछ कुछ जगहों में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा छिद्र छिद्र ये सब जो छेद रह गया है इसको हम अलग से प्लास्टर भर के इसको ठीक कर लेंगे। अदरवाइज ये काम बहुत ही सुंदर निकला है, इसे आप देख सकते हैं बहुत ही। और हम जो है प्लास्टर पेरिस से ये हमारा फाइनल वर्क निकल गया, जो हम क्ले से बनाए थे वो हम प्लास्टर पेरिस में इसको चेंज कर दिए। हम
मोल्ड से प्लास्टर के अलावा सीमेंट में, फाइबर में, पेपर पल्प में, इस तरीके से फाइनल वर्क को हम बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं क्लास 10th से कि आप लोग इसे बनाने का कोशिश करोगे और थोड़ा सा इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए बहुत पेशेंसली काम करना है। क्ले मॉडलिंग, मोल्ड कास्टिंग, उसके बाद फिर प्लास्टर टू प्लास्टर कास्टिंग, और ये इस तरीके से आप भी बना सकते हो। थैंक यू, बाय।